गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यर साइंस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर नाइन रॉक्स एंड मिनरल्स आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नाइन जिस जिसका टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन राइट द नेम ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स तीन प्रकार के रॉक्स के नेम बताने आपने आंसर इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामोफिक रॉक्स क्वेश्चन नंबर टू नेम द रॉक दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर उस पत्थर का नाम बताना है जो कि पानी पर तैरता है तो आंसर इज प्यूमिक स्टोन कैन फ्लोट ऑन वाटर जो प्यूमिक स्टोन होता है वो पानी पर तैर सकता है क्वेश्चन थ्री नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सबसे कठोर सब्सटेंस कौन सा है डायमंड ओके okay? डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसका चीफ कंपोनेंट क्या है मीथेन क्वेश्चन नंबर फाइव वाट आर मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सिस जो मिनरल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सिस होते हैं नो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन हाउ आर मेटामोफिक रॉक्स फॉर्म जो मेटामोफिक रॉक्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं मेटामोफिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इमेंस हीट और प्रेशर जो मेटामोफिक रॉक्स होते हैं वो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के में जब इमेंस हीट बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है उसकी कारण बनते हैं क्वेश्चन टू मैंशन एनी थ्री रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एनर्जी के कोई से तीन रीन्यूएबल सोर्सेस आपने बताने हैं आंसर सोलर एनर्जी विंड एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी आर द सम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म वेन हॉट मोल्टन लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं जब हॉट मोल्टन लावा होता है वो ठंडा हो जाता है और जम जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है तब इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन फोर राइट द यूज ऑफ लाइम स्टोन लाइम स्टोन के क्या क्या यूजेस हैं यूजेस ऑफ लाइम स्टोन लाइम स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास ब्रेक्स चौक एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग सीमेंट लाइम स्टोन का प्रयोग ग्लास बनाने में ब्रिक्स बनाने में चौक बनाने में और इसके साथ साथ सीमेंट बनाने में भी किया जाता है क्वेश्चन फाइव हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय सेडिमेंट्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो जो रॉक्स होते हैं उनके स्मॉल पीसेस के इकट्ठे होने के कारण सेडिमेंट्स के कारण बनते हैं नाउ डिफाइन डिफाइन द फॉलोइंग करना आपने सबसे पहले सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी क्या होती है द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो हमें सूरज से प्राप्त होती है दैट इज सोलर एनर्जी नंबर टू तार तार क्या होता है तार is from जो तार है वो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होता है नंबर थ्री क्वारजाइट क्वारजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मड फ्रॉम हार्ड स्टोन जो क्वारजाइट होता है वो एक मेटामोफिक रॉक होता है रॉक्स होता है जो कि हार्ड स्टोन होता है एक बहुत कठोर पत्थर होता है इट इज यूज टू मेक स्टैचूज और इसका प्रयोग स्टैचू इस बनाने के लिए मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है नंबर फोर और अ मिनरल विच फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एग्जेक्ट्रेट इज कॉल्ड एन ओर जो ओर होता है क्या होता है जिससे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो मिनरल फ्रॉम विच वो मिनरल जिससे हमें मेटल मेटल्स निकालते हैं उसे हम और कहते हैं नाउ ग्ज ग्रीज इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट नाइट जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि हमें ग्रेनाइट से प्राप्त होता है एंड इट हैज़ इररेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और इसमें डिफरेंट कलर के इरेगुलर बैंड्स होते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और जो आपको वर्कशीट दी जाएगी उसको केयरफुली करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स